Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arun Kumar with exercise 3.7 of chapter 3, playing with numbers of class 6 mathematics. Hey students, in previous lecture we have solved question 4 to 6. Now in today's lecture we will solve remaining questions. First of all, we will solve question 7. Now in question 7, 3 tankers contain 403 liter, 434 liter, 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. क्वेश्चन 7 में जो है आपको बोला गया है कि 3 टैंकर्स हैं और उन 3 टैंकर्स में जो डीजल की कैपेसिटी जो है वो कुछ इस तरह से है. ओके, नाउ आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर क्या होगी जिससे वो इन डीजल की कैपेसिटी को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके, या आपको फाइंड आउट करना है. अब यहां पर इसके सॉल्यूशन के लिए जो है हम लिखेंगे द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर. यहां पर मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. अब उसके लिए जो है मैं लिखूंगा द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द एचसीएफ ऑफ 403 लीटर. यहां पे लीटर को जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 434 लीटर एंड 465 लीटर. नाउ यहां पर आप देख पा रहे हैं 403 जो है वो क्या होगा, दो प्राइम नंबर 13 एंड 31 का क्या है प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब इनका मल्टीप्लाई जो है 403 होगा. ना यहां पर ये जो है 14 एंड 31 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो यहां पर ये जो है फिफ्टीन एंड 31 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो यहां पर इसमें आप देख पा रहे हैं आगे प्राइम फैक्टर होंगे नहीं, बट इसमें उसी वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 14. ओके, और यहां पर 5 + 15. तो यहां पर इनके जो प्राइम फैक्टर्स जो है मैं कुछ लिख लूंगा इस तरह से, इनके जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स उनको एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लूंगा. नाउ इनका एचसीएफ मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे उस प्राइम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे जो तीनों में हो. ओके, तो यहाँ पर 31 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है. ओके, नाउ इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या होगा 31. तो यहाँ पर ये वो कैपेसिटी होगी जो इन इस कैपेसिटी को क्या कर सकती हो, मेजर कर सकती हो. तो इसके लिए मैं लिखूंगा सो द रिक्वायर्ड मेजर इक्वल्स टू 31 लीटर. इतना जो आपको ध्यान रखना है. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 8. इन क्वेश्चन 8 फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस. क्वेश्चन 8 में जो है आपको वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम 6 से 15 से एंड 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है कितना बचता है, 5 बचता है. तो इसके लिए जो है आपको क्वेश्चन में दिया है लीस्ट
लिस्ट मीन्स हम क्या करेंगे इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और एलसीएम फाइंड आउट हो जाने के बाद जो है जो भी नंबर आएगा उसमें हम लोग फाइव को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा इन नंबर से डिवाइड करने पर क्या होगा फाइव रिमाइंडर को लीव करेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। ना उनके एलसीएम जो मैं फाइंड आउट कर दूंगा इसे जो मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर 2 3 6 15 एज इट इज 2 9 18। ना इसे मैं फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ 3 1 3 3 5 15 3 3 9। ना अगेन मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा 1 एज इट इज 5 एज इट इज एंड 3 1 3। ना इसे मैं 5 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर 1 एज इट इज 5 1 5 1 एज इट इज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 आ गया, तो इसका जो एलसीएम है वो क्या होगा उसके लिए हम क्या करेंगे ये जो फैक्टर्स है उसे मैं लिख लूंगा। नाउ इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 90। ओके तो 90 वो नंबर है जिसको हम इनसे जब डिवाइड करते हैं मीन्स 6, 15 एंड 18 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिजिटल होता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्या बोला है कि इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 5। तो सिंपली हम 5 को क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 90 को लिखूंगा और इसमें 5 को क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा। अब प्लस करने पर मुझे कितना मिलेगा 95। तो ये क्या होगा वो नंबर होगा जिसको हम लोग 6, 15 एंड 18 से डिवाइड करके तो क्या होगा रिमाइंडर 5 लीव करेगा। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 10। इन क्वेश्चन 10 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन 10 में जो है हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ए लिया है जिसमें नंबर्स मेरे पास 9 एंड 4। साथ ही साथ ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम्स इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। साथ साथ हमें उनके अंदर कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन है या नहीं वो भी बताना है, और जो एलसीएम है क्या वो एलसीएम जो नंबर्स हमें गिवन है क्या उनका प्रोडक्ट है ये हमें चेक करना है। तो इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये दोनों चीज़ें हमें चेक करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर पहले मैं 9 को लिखूंगा देन 4 को मैं इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ 9 एज इट इज 2 2 4 अगेन 2 से डिवाइड करूंगा 9 एज इट इज 2 1 2। नाउ मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा 3 3 9 1 एज इट इज। नाउ अगेन मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा 3 1 3 1 एज इट इज। ओके तो यहाँ पर जो एलसीएम है उसके लिए मैं क्या करूंगा जो भी फैक्टर्स आए उनको मैं लिख लूंगा। अब यहाँ पर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 36। ओके तो इनका जो एलसीएम है वो कितना है 36 है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करते हैं तो यहाँ पर उसके लिए मैं देखूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इसके लिए जो है जो नंबर्स मुझे गिवन है उनको मैं लिख लूंगा। नाउ इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा 36। ओके तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल्स टू है इनका एलसीएम जो निकालते हैं उसके इक्वल्स टू है मीन्स ये क्या होंगे दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो ये जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो इनके अंदर हमने ऑब्जर्व की है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि
जो नंबर्स हमें गिवन है उनका प्रोडक्ट और उनका जो एलसीएम है वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो ये चीजें जो है बाकी के क्वेश्चन में भी हमको ऑब्जर्व करनी है, ये हमको ध्यान रखना है।